वो सारे स्टूडेंट्स जिन्हें आईएलटीएस रीडिंग में दिक्कत आ रही है उनके लिए टारगेट 9 की सीरीज आज पे बैंड चाहिए। टारगेट 9 आईए का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आज हम एक बेसिक हैबिट की बात करेंगे, बेसिक हमें क्या चेंज कर लेना चाहिए अपने पर्सनालिटी के अंदर, अपने प्रैक्टिस के अंदर, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। ओके, छोटे होते से हमने एक चीज सुन रखी है, क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उस काम में उतने अच्छे होते चले जाएंगे। क्या आल्स रीडिंग में ऐसा होता है? बताइए, बच्चे हैं जिन्होंने रीडिंग इतनी बार कर रखी है कि उनको रीडिंग याद होगी, आंसर याद होगी है, लेकिन रीडिंग का स्कोर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। आज हम देखेंगे वो क्या गलती हम कर रहे हैं। इन रियलिटी आल्स के अंदर इट्स नॉट प्रैक्टिस बट हैबिट्स। हैबिट्स हैं जो आपकी रीडिंग को इंप्रूव करेंगे और आपको एक परफेक्ट रीडर बनाएंगे आल्स रीडिंग के लिए। चलिए देखिए, दो तरह की हैबिट्स हैं जो आपको अपने अंदर इंकल्केट करनी पड़ेंगी। एक तो वो जब आप रीडिंग कर रहे हैं तब, और एक वो जब आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको उनका रीजन भी बताऊंगा, और जब आप इन हैबिट्स को अपने अंदर ले आएंगे यू विल सी अ ड्रामेटिक चेंज इन योर सेल्फ एंड योर स्कोर्स टू। ओके, फर्स्ट पार्ट, ये वो हैबिट्स हैं वो जो आपने तब करनी है जब आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके हाथ में रीडिंग की शीट है और आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने आंसर की लोकेशन और अपनी रीडिंग का टाइम, ये दोनों चीजें अपनी शीट के ऊपर मार्क करेंगे। आपने क्वेश्चन पिक किया, उसका आंसर आपने पैसेज में पढ़ा, जहां से भी वो आंसर आया है आपने उस जगह को अंडरलाइन करके उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में मिल जाता है, तो आप फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करके उसके ऊपर क्या लिख देंगे? 1। ओके, और दूसरी बात, आप पैसेज 1 करते हैं तो आप लिखेंगे हर बार कि पैसेज 1 पे मेरे को कितना टाइम लगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, राइट? ये दोनों चीजें हैं आपने जब भी, जब तक आप आज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आपका पहला दिन है, चाहे आपका 20वां 25वां या 2 महीने भी हो गए हैं, आपने ये हर बार करना है। ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि आप इस चीज को करें, राइट? क्योंकि जब हम बाद में चेक करेंगे अपने आंसर्स, अगर हमारे पास लोकेशन होगी तो हमारे हम उसको चेक कर सकते हैं हमसे कहां गलती हुई है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम अपनी टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उस पर काम कर सकते हैं, राइट? चलिए देखें दूसरी हैबिट कौन सी है हमारी। ओह यस, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसफर योर आंसर साइमल्टेनियसली। जैसे ही आपको कोई आंसर मिल जाता है उसको आप साथ के साथ अपनी शीट के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। आल्स लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको 10 मिनट मिलते हैं अपने आंसर को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन रीडिंग में ऐसा नहीं है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा दे विल स्नैच द शीट्स। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम जब रीडिंग खत्म होगी लास्ट के 5 मिनट में या लास्ट के 10 मिनट के अंदर अपने आंसर ट्रांसफर कर लेंगे। रियल टेस्ट के अंदर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उस टाइम आप पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप अपने आंसर लास्ट के लिए छोड़ेंगे देयर आर चांसेस दैट यू विल पैनिक। अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो जो आपने सही आंसर भी उठाए होंगे वो भी गलत होना शुरू हो जाएंगे। और हमने चांस क्यों लेना है? कीप दीज हैबिट्स विद यू सो दैट यू कैन गेट गुड स्कोर्स ऑलवेज। चलिए एक और चीज जो हमें करनी चाहिए, ओके, गो फॉर एक्यूरेसी फर्स्ट। अगर मान लीजिए आपने अभी आईएलटीएस की रीडिंग की प्रिपरेशन शुरू ही की है, शुरू के दिनों में आपने टाइम पर इतना जोर नहीं रखना, आपका फोकस किस पर होना चाहिए कि मेरे सारे आंसर क्या हो, ठीक हो। शुरू में अपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आनी शुरू हो जाती, आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि मेरे सारे आंसर सही हो। इसीलिए टारगेट 9 के अंदर भी जब हम किसी बच्चे को एनरोल करते हैं तो पहले वो एक अप्रोच बिल्डर सेक्शन होता है उसमें जाता है, जहां पर सिर्फ इसी चीज पर फोकस किया जाता है कि उसको सारी स्ट्रेटेजीज आ जाए और उसके आंसर ठीक आना शुरू हो जाए। जब एक बार वो हो जाएगा उसके बाद फिर हम टाइम कंस्ट्रेंट के साथ अपनी रीडिंग करेंगे। तो हमने देखा 3 चीजें हैं जो आपने आज रीडिंग का टाइम करनी है। एक तो अपनी लोकेशन मार्क करनी है, आंसर कहां से आया। दूसरा टाइम मार्क करना, आपको पैसेज में कितना टाइम लगा। तीसरी चीज आप क्या करेंगे,
कि आप अपने आंसर साथ के साथ ट्रांसफर करेंगे। शुरू में जब आपने नई नई रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू की है तो आपने एक्यूरेसी पर ज्यादा जोर देना है। तो ये तो वो तीन हैबिट्स हैं जो आप रीडिंग कर रहे हैं तब होनी चाहिए। अब हम वो चीज देखते हैं, जब रीडिंग कर लिया आपने उसके बाद घर गया तो क्या करना है आपने आफ्टर रीडिंग प्रैक्टिस। जब रीडिंग की प्रैक्टिस कर लिया फिर हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी एंड दैट टू एवरी डे। हर रोज आपने अपनी वोकैबुलरी पर काम करना है। आल्स रीडिंग का मतलब वो आपकी वोकैब ही चेक करे। रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जितना हम ज्यादा रीड करेंगे उतनी हमारी वर्ड पावर बढ़ती चली जाएगी। आज मैंने रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू की, आज से ठीक एक महीने बाद जितने वर्ड्स मेरे को आते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो मैं रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। दिस इज द बेंच मार्क जिसे हम चेक करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वोकैब पर रोज काम करें। बेटर तो ये होगा कि आप जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें से वोकैब उठाएं। इनकेस आप ये नहीं कर सकते हैं तो टारगेट 9 वोकैबुलरी के लिए वीडियो भी डाल रखे हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो। इंट्रोस्पेक्शन। क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं आत्मविश्लेषण, अपने अंदर झांकना कि हमने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। अच्छा, अगर आपने वहां पे आंसर मार्क नहीं किया तो फिर आपको इंट्रोस्पेक्शन में दिक्कत आ जानी थी, इसलिए हम आंसर मार्क करते हैं ताकि हम बाद में चेक कर सकें कि मैंने आंसर क्या लिखा था, कहां से ढूंढा था, सही आंसर क्या है और वो कहां से आया है और मेरी किस किस जगह पर मेरे को प्रॉब्लम आती है। जब आपको ये पता होगा तभी आप आगे अपने किसी टीचर से या जिसके साथ भी आप स्टडी कर रहे हैं उससे बात करते पूछ सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप रीडिंग में टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। राइट, रोज रीडिंग चाहे आप ना कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन रोज जरूर होनी चाहिए। अगर कभी मिस करना हो आपने दोनों चीजों में से किसी चीज को तो आप रीडिंग मिस कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मिस नहीं होनी चाहिए। नो डाउट अगर आप किसी सेंटर में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे तो आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन घर आके आप पक्का करें कि आप इंट्रोस्पेक्शन जरूर करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट थिंग इज डिस्कशन। अब आपने अपनी वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन में काम कर रहे हैं, अब आपके सामने आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने डिस्कस करना है। आपके पास एक टीचर होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए, कोई फ्रेंड, कोई ग्रुप, या फिर आप हमारे साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे इनका सोल्यूशन चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्शन आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है और ये आपको बताएंगे क्या से आपने सोल्यूशन निकालना है। आपको हमारे वीडियोस देखकर भी काफी हद तक आइडिया हो जाएगा, बट स्टिल इफ यू हैव अ टीचर मेक मैक्सिमम यूज आउट ऑफ इट। राइट, सो दीज आर द सिक्स हैबिट्स जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप रीडिंग में स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अब इनमें से कौन हो सकता है आप कई चीजें फॉलो कर रहे होंगे और हो सकता है कुछ चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो जो चीजें आप नहीं फॉलो करें हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने पहले ये फॉलो नहीं करता था, अब मैंने ये फॉलो करना शुरू कर दिया और इतना आपके अंदर डिफरेंस आया इसके साथ। ओके, सो हमारी सीरीज का नाम है रीडिंग में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है हमारे लिए, प्लीज आप कमेंट कीजिए और आपने इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी चीजें आप यूज करते हैं सोशल मीडिया टूल उस पे आप प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। एंड यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसे और वीडियो आते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसा काम और करने का। क्योंकि जब हमें पता लगता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमें भी पता लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम उस पर और मेहनत करते हैं। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी काफी हद तक हेल्प की होगी और आप काफी मेहनत करेंगे और अच्छा अच्छा स्कोर लेके आएंगे। आपके और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे होंगे जो उन्होंने आपके फ्यूचर के लिए देखे हुए हैं। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।